हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसमें हम एक मुद्दा बताते हैं और उस मुद्दे पर लेते हैं जनता की राय और हम मुद्दा उठाते जन सरोकार से जुड़ा हुआ। तो आज इनेलो ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। तो आज हम जनता से पूछने वाले हैं कि इनेलो के घोषणा पत्र से जनता को कितनी उम्मीदें हैं और इस घोषणा पत्र पर जनता किस तरीके का रवैया देती है। तो इनेलो ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि किसानों और छोटे व्यापारियों के 10 लाख रूपये तक के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे और इसी के साथ बेरोजगार युवाओं को 15,000 रूपये प्रतिमा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और बुढ़ापा पेंशन 5,000 रूपये प्रतिमाह कर दी जाएगी और गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में सरकार की ओर से 5 लाख रूपये का कन्यादान दिया जाएगा। तो आप भी हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इनेलो के इस घोषणा पत्र पर जनता क्या राय रखती है आज आप हमारे कार्यक्रम में बता सकते हैं। किसानों की बात की है, गरीब महिलाओं की बात की है, बेरोजगारों की बात की है, तो कुल मिलाकर इनेलो ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को कवर किया है और आज हम हरियाणा की आवाम से जानना चाहते हैं कि इनेलो के घोषणा पत्र से उनको कितनी उम्मीदें हैं और ये जो घोषणा पत्र है ये क्या चुनावी घोषणा पत्र है, जनता इस घोषणा पत्र के बारे में क्या राय दे रही है। आज का हमारा सवाल है कितना सच होगा ये संकल्प पत्र और इस इनेलो के मैनिफेस्टो में क्या खास है और इनेलो कितना खरा उतर पाएगी अपने वायदों पर, क्योंकि जनता अक्सर कहती है कि ये चुनावी वायदे हैं ना कि ये वायदे जनता के लिए किए गए हैं। और कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो आज इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इनेलो ने सभी वर्गों को कवर किया है। किसानों की बात करें तो कहा गया कि किसानों के जितने भी उपकरण जो खेती में इस्तेमाल होते हैं उन पर जीएसटी खत्म किया जाएगा और गरीब किसान और जो छोटे तबके के व्यापारी हैं उनके 10 लाख रूपये तक के कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे दर्शक लाजपत जुड़ गए हैं। जी लाजपत, नमस्कार। मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ये कांग्रेस करे घोषणा पत्र जी या इनेलो करे, कोई भी पार्टी करे जी, अब तो ये हो रही है हरियाणा के अंदर भाई, ऊपर सेंटर की सरकार मोदी की है जी, नीचे भी खट्टर की सरकार आएगी, लोग मोदी को देखकर ही हरियाणा के अंदर वोट डालने लग रहे हैं क्योंकि तो दोबारा फिर खट्टर सरकार आनी है। कैथल से भी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर का ही जीतेगा, लीला राम जी जी। तो इनेलो ने घोषणा पत्र में तमाम जो वायदे किए हैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक है या नकारात्मक? ये सोचने लग रहे हैं क्योंकि सरकार तो सेंटर में गुरबे मोदी की है जी, इस करके वोट डालेंगे जी। हाँ जी, तो तमाम जिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने जो घोषणा पत्र जो है निकाले हैं तो क्या कुछ उनकी ओर से आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी लाजपत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे समक्ष रखने के लिए। तो आज हरियाणा की आवाज में हम हरियाणा की आवाम से पूछ रहे हैं कि इनेलो ने जो घोषणा पत्र जारी किया है कितनी उम्मीदें हैं और ये क्या चुनावी घोषणा पत्र है, आखिर अपने इन वायदों पर ये पार्टियां कब खरा उतरेंगी और जनता को इनेलो से किस तरीके की उम्मीदें हैं और इस घोषणा पत्र से जनता को कितना कुछ फायदा मिला है, ये तमाम जो आज राय है हम जनता से ले रहे हैं। तो पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और आज इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सभी वर्गों को कवर करने की पूरी कोशिश इनेलो ने की है, किसानों की बात की है, किसानों के जो खेती में उपकरण हैं उन पर जीएसटी खत्म करने के लिए इस घोषणा पत्र में जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए जो है सरकार की ओर से
5 लाख रुपए तक के कन्यादान की भी इस घोषणा पत्र में बात कही है। जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको भी 5,000 रुपए बढ़ाने की बात कही गई है। और इसी के साथ जो सरकारी नौकरियां हैं और जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें स्थानीय युवाओं को यानी कि प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण की भी बात इनेलो के घोषणा पत्र में कही गई है। तो तमाम वर्गो को देखते हुए तमाम सुविधाएं जो है वो इनेलो ने दी है। और जनता से लगातार हम पूछ रहे हैं कि इनेलो के घोषणा पत्र से जनता को किस तरीके की उम्मीदें हैं। तो हमारे साथ हमारे अगले दर्शक रोहित जुड़ गए हैं। जी रोहित नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैडम कैसे हैं जी आप बताइए। सर हम कुशल मंगल हैं। जानना चाहेंगे कि इनेलो के घोषणा पत्र पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आप देना चाहेंगे। मैम मेरा मानना ये है कि ये घोषणा पत्र एक लॉलीपॉप टाइप में दे रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी फैसिलिटीज भी हम लोगों तक पहुंच पाएंगी। जी ये सीट बटोरने का इलेक्शन का मुद्दा है इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जी मुझे नहीं लगता मैडम इनेलो ऐसा कर पाएगी। जी और ये मेरी सोच ये कि नकारात्मक सोच जारी है अभी इसके प्रति। जी घोषणा पत्र देने से वो सिर्फ लोग वोट लुभाने का काम कर रहे हैं ये लोग। जी जी मैडम जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक साझा करने के लिए। तो हमारे अगले दर्शक एथल से जोगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जोगेंद्र स्वागत आपका कार्यक्रम में। सभी पार्टियां जी हेलो जी सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सभी पार्टियों को घोषणा पत्र सभी के जितने भी घोषणा पत्र आएंगे कोई किसी भी घोषणा पत्र में ये नहीं आएगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी देश को सबसे ज्यादा जरूरत होती है शिक्षा और स्वास्थ्य की जी या किसान की। कोई किसी में ये मुद्दा नहीं आएगा किसानों को ये कर देंगे माफ कर देंगे। सिर्फ किसानों को कोई माफ माफ की जरूरत नहीं ना उसे सक्षम बनाया जाता है। जी आज बीमार हो रहे हैं लोग 5-5 लाख रुपए का एक ये आयुष्मान योजना मतलब लगा रखी है बीजेपी ने। 5 लाख का मरीज तैयार किया जा रहा है कि इस समय से क्यों नहीं उसे अगर गांव में स्वास्थ्य की मिले तो स्वास्थ्य की सेवाएं मिले तो क्यों बीमार होगा 5 लाख का। जी सरकारें हैं एक अपना ढिंडोरा पीटती है कोई भी किसी की वो नहीं होती। सिर्फ इलेक्शन तक ये वादे होते हैं उसके बाद सब भूल जाते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे समक्ष रखने के लिए। तो लगातार आज हरियाणा की आवाम से हम पूछ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में कि इनेलो के घोषणा पत्र को किस तरीके से देख रहे हैं, कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक जनता इस घोषणा पत्र को आंक रही। और सवाल ये भी है कि घोषणा पत्र क्या चुनावी वायदे हैं, क्या चुनाव के बाद जो तमाम पार्टियां हैं वो इन सभी वायदों को पूरा भी करेंगी। जनता किस तरीके से तमाम पार्टियों के घोषणा पत्रों को देख रही है। तो हमारे अगले दर्शक रेवाड़ी से पवन हमारे साथ जुड़ गए। जी पवन नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में। तो पवन से तकनीकी खामियों के चलते हमारा संवाद नहीं हो पाया। लगातार हम जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि इनेलो के घोषणा पत्र पर जनता किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही है और जनता इन घोषणा पत्रों पर क्या कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कल अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है और आज इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इनेलो ने तमाम वर्गों को अपने घोषणा पत्र में कवर किया है। किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें और शहीदों की भी बात करें। इनेलो ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि शहीदों के परिवारों को एक प्लॉट मिलेगा और बाकायदा प्लॉट में 2 कमरे भी बनवाकर दिए जाएंगे। तो लगातार हम हरियाणा की आवाम से सवाल कर रहे हैं कि इस घोषणा पत्र से जनता को कितनी उम्मीदें और कितना सकारात्मक इस घोषणा पत्र को देख रहे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या ये घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वायदे पर ही है। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हरियाणा की आवाज में आज हम हरियाणा की आवाम से पूछ रहे हैं कि इनेलो के घोषणा पत्र पर वो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इनेलो ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी की भी बात कही है, इसी के साथ उन्होंने छोटे व्यापारियों के 10 लाख तक के कर्जे की माफी कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि दादूपुर नलवी नहर को फिर से चालू किया जाएगा, मेवात फीडर कैनाल को भी हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाया जाएगा, SYL नहर के निर्माण के बाद राज्य के हिस्से का नदियों का पानी प्रदेश में लाया जाएगा। तो आज हरियाणा की आवाम से हम पूछ रहे हैं कि
कितना सच होगा ये संकल्प पत्र, और इनेलो के इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है, और इनेलो कितना खरा उतर पाएगी अपने तमाम वायदों पर, और क्या संकल्प पत्र लोगों के लिए होगा फायदेमंद, क्या इनेलो के सामने है अस्तित्व की लड़ाई, क्या इनेलो जीत पाएगी जनता का दिल। तो कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और आज इनेलो ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे दर्शक राम हमारे साथ जुड़ गए। जी राम, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सौम्या जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। इनेलो ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, किसानों को कवर किया है, महिलाओं को कवर किया, और वृद्धावस्था जो पेंशन है उसको भी 5000 रुपए प्रतिमाह करने की बात कही है, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? सौम्या जी, मैं बताना चाहूंगा अपनी सरकार से, बल्कि पूछना भी चाहूंगा और जनता से पूछना चाहूंगा जी, आखिर इन घोषणाओं का मतलब क्या है? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? वोटों को नहीं खरीदा जा रहा है? आंखों में धूल झोंक दिए, 5000 हो गए, अगर स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, सड़कें बनाए वो तो चल अच्छी बात है जी, लेकिन आप इस तरह गुमराह करके क्या इनके घर में फैक्ट्री लग रही है? सब जनता की जेब से जाना है, एक जेब में काटेंगे दूसरे डालेंगे, दूसरी जेब को कैंची से काट लेंगे। जनता को सोचना होगा, महंगाई बढ़ेगी इस हिसाब से, और ये ऊपर तक सेंट्रल सरकार भी यही कर रही है और विधायक भी यही कर रहे हैं। जब विधायक जिस घर का मुखिया गलत काम करेगा तो आने वाले मतलब समय में ये बहुत ही गलत काम होगा, इसलिए जनता को सोचना होगा, इन घोषणाओं को लालच में ना देकर जनता के हितों के बारे में सोचे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी जो राय है रखने के लिए। तो हमारे दर्शक ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। बताइए इनेलो के घोषणा पत्र पर क्या राय देना चाहेंगे आप, कितना सच है ये घोषणा पत्र और कितनी उम्मीदें आप इस घोषणा पत्र में देख रहे हैं? मैडम कोई नहीं है हमें इसके घोषणा पत्र पर जी, पहले सब झूठ बोल रहे हैं ये, पहले खट्टर ने भी ऐसे झूठ बोली थी, पहले सीएम विंडो खोल दिया, सीएम विंडो में भी कोई सुनवाई नहीं होने आ रही, उसके जो कार्यकर्ता बैठे हैं जो वहाँ पर बैठे हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं उनका यहाँ पर दरखास्त देने का कोई फायदा नहीं है जी, यहाँ पर कोई दरखास्त सुनवाई नहीं होगी, आप तो ऐसे ही कागज भरने हैं तो भरी जाओगे जी। हाँ, इनके घोषणा पत्र से कोई उस कुछ नहीं होने आ रही, जो जनता ने फैसला करना है वो तो आप अपने हिसाब से करेगी जी। तो इस घोषणा पत्र को आप पॉजिटिव देख रहे हैं या फिर नेगेटिव? तो चलिए ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हम हरियाणा की आवाम से पूछ रहे हैं कि इनेलो के घोषणा पत्र पर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, इन तमाम घोषणा पत्रों पर, जैसे कांग्रेस ने भी कल अपना घोषणा पत्र जारी किया और आज इनेलो ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जनता क्या सोच रही है, क्या ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं या फिर चुनाव के बाद भी इन तमाम वायदों को पूरा किया जाएगा? तो लगातार हमारा जो नंबर है हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जितने भी दर्शक इस वक्त हरियाणा न्यूज देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तमाम राय हम तक साझा कर सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हरियाणा की आवाज में आज हम पूछ रहे हैं कि इनेलो के घोषणा पत्र पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कितना सकारात्मक इस घोषणा पत्र को देख रहे हैं। इनेलो ने तमाम वर्गों की अपने मैनिफेस्टो में बात की है, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात कही, इसी के साथ जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें भी जो स्थानीय युवा होंगे यानी कि जो राज्य के युवा होंगे, हरियाणा के जो युवा होंगे उनके लिए 75% आरक्षण की बात कही है, और किसानों के जितने भी कृषि उपकरण है चाहे वो ट्रैक्टर हो गया या फिर खाद और बीज या फिर कीटनाशक दवाइयां हो गई उन पर जीएसटी खत्म किया जाएगा, और जो छोटे तबके के व्यापारी हैं और जो किसान हैं उनके 15 लाख रुपए तक के कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हर वर्ग की इनेलो के मैनिफेस्टो में बात की गई है, महिलाओं की भी बात की गई है और गरीब कन्याओं की भी बात की गई है कि गरीब कन्याओं के विवाह पर 5 लाख रुपए का कन्यादान जो है इनेलो की ओर से दिया जाएगा। तो तमाम जो वायदे किए गए हैं इनेलो के घोषणा पत्र में उनको जनता किस तरीके से देख रही है और कितनी जनता सकारात्मकता इन घोषणा पत्रों पर दिखा रही है। तो हम लगातार जनता से पूछ रहे हैं कि इनेलो के घोषणा पत्र पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कितना सकारात्मक इस इनेलो के घोषणा पत्र को वो देख रही हैं। तो इसी के साथ हरियाणा की आवाज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।